हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। तो गाइस, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से टेस्टी यम्मी और जालीदार मालपुआ। जिसके लिए मैं पहले चाशनी बना लेती हूं। मैंने यहां पे 1 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी में रेड कर रही हूं। अब मैं यहां पे 2 इलायची, मैं यहां पे 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज वाला फूड कलर रेड कर रही हूँ। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसका, बस हमें चीनी मेल्ट होने तक, तो 1 तार तक चाशनी होने तक पका लेना है। चलिए, मैंने यहाँ पे 1 बॉल लिया है और 1 कप मैं गेहूं का आटे ले रहे हैं। जो रोटी बनाते हैं ना, वो मैं आटा ले रहा हूँ। आप चाहे तो मैदा से बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 3 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें इसकी जगह सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और 1 कप मैं दूध से मिक्स कर लेंगे। चलिए, हमको मिक्स कर लेते हैं। पहले पूरा हमें अच्छे से इनको फेंट लेना है। देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें मिक्स करते जाना है। देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत इजी रेसिपी है। देखिए, मैंने और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर लिया है। मैंने ज़्यादा हमें इसका पतला या मोटा घोल नहीं रखना है। देखिए, मैं अच्छे से पूरा इनको फेंटते जाना है। चलिए, मेरा ये मिक्स हो चुका है। देखिए, मैं ऐसे ही इसका घोल रखना है हमें। मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है। मैं यहाँ पे 1-1 चम्मच इसके बैटर डाल के फ्राई कर लूंगी। देखिए, आप इसमें बड़ा या छोटा अपना पसंद से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा छोटा बना रही हूँ। देखिए, जितना भी कढ़ाई में आते हैं आप उसे हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हमें इसके पूरा कुछ बाहर से नहीं लाना है, बस हमें घर के सामान से भी बना लेना है। बहुत टेस्टी, बहुत इजी है, आप इसे कभी बना सकते हैं। दोनों तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए, मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं अब इनको निकालूंगी। ये बनाने में हमें पूरा 5 से 6 मिनट में बन जाएगा। ये बहुत टेस्टी है, आप ये कभी फेस्टिवल या बच्चों के बना कर दे सकते हैं। हमें बस सेंटर में रखना है, बस इस तरह से बस बीच में डालते जाना है 1 चम्मच। देखिए, हमें सबको अब सेम प्रेशर में बना लेना है। बहुत ईजी है, बहुत टेस्टी है। आप ये इफ्तार में बना सकते हैं या कोई भी छोटे मोटे भूख के लिए बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत टेस्टी है और बहुत इजी है। देखिए, हमें सब इनको भी निकाल लेना है। मेरा ये भी क्रिस्पी हो चुका है, बहुत मैं देखने से बहुत टेस्टी लग रहा है, देखने से क्रिस्पी। फिर से हमें डालते जाना है 1 चम्मच। बस हमें बीच में 1 चम्मच डाल लेना है, इनको हम पलट लेंगे। देखिए, बहुत टेस्टी रेसिपी है, आइए एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत गेहूं के आटे से मैंने इनको बनाया है। अब देखिए, मैं चाशनी जो बनाई थी ना, वो वाला मैं अब इनको डिप करके निकालते जाऊंगी। सबको मैं पहले डिप कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सूख ले चाशनी। देखिए, बहुत 2 से 3 मिनट के लिए बहुत टेस्टी है, बहुत 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से ही सूख लेंगे। हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से पी लिया है मेरा चाशनी है और देखने से भी बहुत टेस्टी लग रहा है। देखिए, मैं सबको निकालूंगी, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने से। मैं जो बचा वाला था वो भी मैं चाशनी में डिप करके निकाल लूंगी। बस हमें कुछ भी मेहनत इसमें नहीं है। देखिए, मैंने सबको बना लिया है, ऊपर से चाशनी में डाल दी हूँ। बहुत मेरा जालीदार, बहुत टेस्टी बना है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर करना और फैमिली फ्रेंड्स में आप ज़रूर शेयर करना। और मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ काजू ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद से और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।